हेलो टुडे वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम विथ बैक ट्रैकिंग तो ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है बेसिकली क्या होगा एक सेल्समैन है जिनको सारे सिटीज एक एक करके ट्रैवल करके शुरू में स्टार्टिंग सिटी में आके टूर कंप्लीट करना है जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं तो हियर वी हैव फाइव सिटीज ए बी सी डी एंड ई एंड सपोज द सेल्समैन विल स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम सिटी ए ठीक तो सिटी ए से ही हैज टू ट्रेवल ऑल द सिटी ओनली वंस एंड कम बैक टू सिटी ए अगेन तो हमारा जो प्रॉब्लम है हमें क्या करना है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है ताकि कम से कम टाइम में सेल्समैन uh, सारे सिटी को ट्रेवर्स कर सके ठीक तो uh, तो, है, है तो इसके लिए वी कैन यूज ब्रूट फोर्स प्रोसेस जिसमें हम वी विल ट्राई ऑल द कॉम्बिनेशन एंड चेक विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ठीक है तो बट क्या होगा ब्रूट फोर्स में जैसे हम जानते हैं कि टाइम और स्पेस दोनों ही ज़्यादा लगता है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होता है तो इसीलिए हम क्या करेंगे वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग जैसे हम जानते हैं कि बैक ट्रैकिंग में हमारे पास एक कंस्ट्रेंट रहेगा तो जो नोड है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे डी uh, एफ मतलब डेफ्ट फर्स्ट सर्च ऑर्डर में हम एक एक करके नोट को एक्सपैंड करते जाएंगे एंड तब तक हम एक नोट को एक्सपैंड करेंगे जब तक uh, वो जो जो कांस्टरेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है ठीक है अगर कॉन्स्टरेंट सेटिस्फाई नहीं होता तो हम बैक ट्रैक करके पेरेंट नोट में जाएंगे एंड वी विल ट्राई फॉर द अदर ऑप्शन तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे करेंगे सो दिस इज अवर स्टार्टिंग नोड जो हमारा रूट नोड है ठीक जिसका नंबर हम जीरो दिए यहाँ पे जो हम रूट नोड्स uh, की नंबरिंग किए हैं तो नंबरिंग शोज एक्चुअली द ऑर्डर इन विच द नोड इज जनरेटेड तो यहाँ पे ये फर्स्ट नोड है हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स ए है ठीक है ना तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे लोअर बाउंड लोअर बाउंड क्या है लोअर बाउंड हमें ये बताएगा कि उस नोड में रह के जो Uh, मतलब सबसे अच्छा ऑप्टिमम जो सोल्यूशन है उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है तो हम जैसे देख रहे हैं कि लोअर बाउंड इक्वल्स टू फोर्टीन है मतलब जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो फोर्टीन से कम नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज द लोअर बाउंड फोर्टीन या उससे ज्यादा ही होगा तो यहीं पे यहाँ पे हमारा लोअर बाउंड जो है ना वही एज अ कंस्ट्रेंट काम करेगा जो हम आगे चल के देखेंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द लोअर बाउंड तो लोअर बाउंड फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा है हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं देखो यही ग्राफ हम फिर से ड्रॉ कर लिए यहाँ पे ठीक है ना तो ये हमारे नोड्स हैं पांच नोड जो कि रिप्रेजेंटिंग फाइव सिटीज अब हम क्या करेंगे फॉर ईच नोड वी विल टेक द टू शॉर्टेस्ट एजेस एसोसिएटेड विथ दैट वर्टेक्स ठीक है मतलब जैसे हम ए ले रहे हैं तो ये कंप्लीट ग्राफ है देखो तो ए से देखो चार एज है चार में से जो दो शॉर्टेस्ट एज है उनको हमें लेना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए सी जो वन है और ये ए बी थ्री ये शॉर्टेस्ट है तो इसको हम ले लिए ए सी और ए बी तो इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा वन प्लस थ्री फोर सिमिलरली बी के लिए हम क्या किए दो शॉर्टेस्ट एजेस को विच इज कनेक्टेड टू बी ठीक है तो वो क्या है देखो बी ए थ्री है और बी सी सिक्स है बाकी हम देख सकते हैं कि इसे बड़ा है तो इनको हम ले लिए थ्री प्लस सिक्स नाइन सिमिलरली सी के लिए क्या हो जाएगा वन और टू थ्री तो ऐसे ही हम डी और ई e के लिए भी फाइंड कर लिए इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे लोअर बाउंड के लिए सबको जोड़ना है एंड देन डिवाइडेड बाई टू तो ये आ गया लोअर बाउंड फोर्टीन सो दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ द रूट नोड ए ऐसे ही हम आगे भी लोअर बाउंड कैलकुलेट करते जाएंगे ठीक है तो देखो यहाँ पे यही लिखा है कि लोअर बाउंड 14 है इन दिस प्रॉब्लम वी आर यूजिंग वन मोर कंस्ट्रेंट जैसे यहाँ पे ये यह देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ जो है अनडायरेक्टेड है ठीक है तो यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट ये लिए कि ए के बाद बी ही बी आएगा मतलब ए के बाद बी आएगा या तो डी आ सकता है या तो ई e आ सकता है ठीक है ना मतलब सी जो है ए के बाद डायरेक्टली नहीं आएगा सी विल ऑलवेज कम आफ्टर बी मतलब हम ये कंस्टेंट लेके चल रहे हैं जरूरी नहीं कि ये ले ठीक है ए के बाद सी डायरेक्टली नहीं आएगा सी विल ऑलवेज कम आफ्टर बी ठीक है तो ए बी सी हो सकता है ए बी डी सी हो सकता है ए बी ई सी हो सकता है बट ए सी बी ऐसा नहीं होगा तो ये हम ले रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी एक्चुअली आगे चल के हम देखेंगे इसका क्या यूज़ हम यहाँ पे किए हैं ये नहीं भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है चलो अब देखो ये ए से सपोज दिस इज द स्टार्टिंग नोट तो ए से हम कहाँ जा सकते हैं ए से हम जाएंगे बी में ए से अगर हम बी में गए तो ये हमारा नोट बना इसका नाम ये जीरो था तो इसका नाम दे दिए नंबर है वन ए से हम बी में गए सो नाउ हियर वी विल अगेन कैलकुलेट द लोअर बाउंड तो जैसे ए ए से अगर हम किसी नोट पे जा रहे हैं तो जब हम दोबारा लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे तो जो फार्मूला मैं बताई थी प्रोसेस लोअर बाउंड कैलकुलेट करने का वही रहेगा सिर्फ हमें एक चीज़ उसमें ऐड करना है क्या कि जैसे हम ए से बी जा रहे हैं तो ए बी और बी ए ये दोनों वर्टेक ये दोनों एजेस शुड बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द लोअर बाउंड ठीक है ना तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पे हम सॉल्व किया है इसको जैसे ए बी ठीक है तो हम क्या क्या बताई थी मैं कि ए से बी और बी से ए ये दोनों वर्ट ये दोनों एजेस ऐड करना कंपलसरी है ठीक तो देखो ए में जैसे हम देख रहे थे ये वाला हमारा वही पहला वाला कैलकुलेशन है जो अभी हम किए थे रूट नोड में लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए वही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे हम लिख के रखे हैं ठीक है, है ना तो यहाँ पे हम ए वाले में देख रहे हैं कि ए बी एज इज ऑलरेडी प्रेजेंट तो ये सेम रहेगा कोई चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे देखो थ्री प्लस वन फोर आ गया बी में क्या आना चाहिए बी ए तो बी में भी हम देख रहे हैं कि बी ए है तो इसको भी चेंज नहीं करना है थ्री प्लस सिक्स नाइन आ गया अब देखो ए और बी में जो भी चेंज होना था सी डी ई एज इट इज रहेगा तो उसमें हम कुछ भी नहीं किए जो पुराना वैल्यू था थ्री सेवन और फाइव उसको हम यहाँ पे लिख दिए एंड टोटल को वी डिवाइड बाई टू एंड गेट फोर्टीन so this is the lower bound for this node ठीक <coughs> now इसको हम expand करेंगे since we are using backtracking तो हमें depth फर्स्ट सर्च ऑर्डर में जाना है मतलब इसको हम तब तक एक्सपैंड करते जाएंगे जब तक पॉसिबल है और जब पॉसिबल नहीं होगा तो हम बैक ट्रैक करेंगे तो इसको एक्सपैंड करेंगे मतलब ए बी के बाद हम किस में जा सकते हैं वी कैन मूव टू सी तो द नेक्स्ट नोट इज दिस ए बी और सी अगेन हियर वी विल कैलकुलेट द लोअर बाउंड ठीक है तो जैसे मैं बताई थी देखो यहाँ पे लोअर बाउंड हमें फोर्टीन मिला था इसमें हम फिर से लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे और अगर किसी लोअर अब देखते हैं चलो लोअर बाउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे नया नोट क्या ऐड हुआ सी तो जैसे मैं बताई थी कि जब कैलकुलेट करेंगे लोअर बाउंड तो वी हैव टू ऐड द एज बी सी एंड सी बी वाइल कैलकुलेटिंग बाकी सेम रहेगा ठीक है तो देखो ये हम यहाँ पे ए बी सी वाला कैलकुलेट कर रहे हैं बी सी और सी हमें चाहिए तो ए में कोई चेंज नहीं है तो ए को एज इट इज हम फोर लिख दिए बी में बी सी को होना चाहिए देखो बी में ऑलरेडी बी सी है इसलिए यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा नाइन सी में सी बी को होना चाहिए तो सी में सी बी नहीं है ठीक है ना तो हम ग्राफ में देखते हैं सी बी का लेंथ क्या है सिक्स तो सी बी को लेंगे प्लस जो शॉर्टेस्ट है शॉर्टेस्ट वर्ट एज कनेक्टेड विथ सी उसको लेंगे तो वो वन है तो वन प्लस सिक्स सेवन हो जाएगा तो इसलिए हमारे यहाँ पे वन प्लस सिक्स लिखा है डी और यू e में कोई चेंज नहीं होगा तो एज इट इज लिख दिए सेवन और फाइव तो ऐसे हमारा लोअर बाउंड क्या आया यहाँ पे सिक्सटीन तो यही हम यहाँ पे लिख दिए कि लोअर बाउंड इक्वल्स टू सिक्सटीन ठीक है फिर हम इस नोट को एक्सपैंड करेंगे अब ए बी सी हो गया इसके बाद क्या है डी तो ए बी सी एंड डी ठीक है ना और अगर ए बी सी डी हो जाता है तो जो लास्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो ये है कि बस ई e बच रहा है तो हम डी से ई e में जाएंगे एंड ई e से हम वापस ए में आ जाएंगे जहां से हम स्टार्ट किए थे तो वहीं पे हमारा टूर खत्म हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे लिखे ए बी सी डी ई ए तो हियर वी विल फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द टूर टोटल लेंथ क्या होगा देखो ये तो सिंपल है हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ से ए बी गए थे तीन ठीक है प्लस हम कहाँ गए थे बी से हम गए थे सी में बी टू सी सिक्स सी से हम गए डी में फोर डी से हम गए ई e में थ्री और ई e से हम वापस कहाँ जाएंगे ए में एट तो इसको अगर हम टोटल करेंगे क्या आएगा नाइन सेवन प्लस एट फिफ्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे टोटल लेंथ हमारा आ गया ट्वेंटी फोर ठीक है अब ये यहीं पे खत्म हो गया और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सो नाउ वी विल बैक ट्रैक यहाँ गए इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है ए बी सी के बाद हम डी में गए थे तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ए बी सी के बाद हम ई e में जाएंगे तो ये वाला हमारा ये तीसरा नोट था ये चौथा नोट बन गया ए बी सी ई ई के बाद क्या बच रहा है डी एंड डी से वापस ए ठीक है तो इसके लिए भी सेम वे में हम टोटल जो हमारा कॉस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे टोटल लेंथ क्या होगा तो देखो ए से बी और बी से सी बी से सी थ्री प्लस सिक्स नाइन सी से गए ई e में नाइन प्लस टू ई से गए डी में प्लस थ्री और डी से गए ए में प्लस फाइव तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा यस yes, नाइनटीन ठीक है तो ये दो टूर हम कैलकुलेट कर चुके हैं दिस इज द फर्स्ट टूर जिसका लेंथ 24 था ये हमारा बेटर टूर है क्योंकि इसका लेंथ है 19, इससे अच्छा है अब हमें और चेक करना है कि इससे भी कोई अच्छा टूर है क्या हम अगेन वापस गए ठीक है जाके देखो इसके बाद इसमें और कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्योंकि एबीसी हो गया था डी और ई e दो ऑप्शन था हो चुका तो अगेन वी विल बैक ट्रैक इसके रूट में चले जाएंगे यहां पे ए बी के बाद हम सी लिए थे तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास ए बी के बाद हम डी लेंगे तो इस वाले पाथ में आएंगे फिफ्थ नोट जनरेट किया ए बी डी ठीक है सो हियर अगेन वी विल कैलकुलेट द लोअर बाउंड तो जैसे मैं बताई थी कि ए बी डी के लिए मतलब डी एड कर रहा है यहाँ पे हम तो क्या होगा ये देखो हम्म ए बी डी डी एड करें मतलब बी डी और डी बी शुड बी देयर ये दोनों हमें देखना है तो देखो ए में कोई चेंज नहीं ए को फोर लिख दिए बी वाले में बी डी होना चाहिए तो यहाँ बी डी नहीं है ना तो देखते हैं बी डी का लेंथ बी डी का लेंथ क्या है सेवन ठीक तो सेवन आएगा और शॉर्टेस्ट जो भी है बी से जो कि तीन है तो थ्री प्लस सेवन आ गया यहाँ पे ठीक है थ्री प्लस सेवन आ गया नेक्स्ट देखो सी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सी यहाँ पे है ही नहीं तो सी वाला एज इट इज लिख दिया थ्री डी में चेंज होगा डी में डी होना चाहिए देखो डी नहीं है तो जो शॉर्टेस्ट है तीन उसको तो ले लेंगे और डी बी को लेंगे डी बी का लेंथ क्या है सेवन है तो यहाँ पे ही हम सेवन को ले लिए ई तो यहाँ पे है ही नहीं तो पुराना वैल्यू रहेगा फाइव ठीक तो टोटल किया हम क्या आया सिक्सटीन तो ए बी डी के लिए लोअर बाउंड हमें क्या मिल गया यहाँ पे लोअर बाउंड हो गया सिक्सटीन जैसे ए बी सी में किए थे वैसे ही यहाँ भी हम करेंगे ए बी डी के बाद हम कहाँ जा सकते हैं वी कैन गो टू सी और ई e. तो पहले हम सी वाला देखते हैं सी में आ गए तो ए बी डी सी सी के बाद क्या बचा ई e, और ई e से वापस ए तो ये वाला पाथ अगर हम करेंगे तो हमारा लेंथ यहाँ से हम टोटल लेंथ फाइंड करेंगे तो इट विल बी ट्वेंटी फोर ये कैलकुलेट करके देख लेना मैं पहले से करके रखी हूँ ठीक है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्वेंटी से एक बेटर ऑप्शन ऑलरेडी हमें मिल चुका है तो ये सोल्यूशन नहीं होगा इतना तो समझ में आ ही रहा है बैक ट्रैक किए नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है ए बी डी ई उसको देखेंगे ठीक है सेवेंथ नोट बना हमारा ए बी डी ई और सी ए नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ दिस टूर ए बी से क्या हो जाएगा तीन बी से डी सात डी टू ई थ्री ई टू सी टू एंड सी टू ए वन टोटल क्या आएगा सिक्सटीन ठीक है तो यहाँ पे देखो सो so, जितने भी मिला है हमें बेस्ट ऑप्शन ये मिला है सिक्सटीन ठीक है ना सबसे छोटा है चौबीस उन्नीस से और देखो सल्यूशन यही होगा इससे बेटर सोल्यूशन होगा भी नहीं क्योंकि इस नोट के लिए क्योंकि यहाँ पे ये तीनों के लिए देखो लोअर बाउंड क्या था सिक्सटीन और यहाँ पे हमें सिक्सटीन ही एग्जैक्ट मिल रहा है ठीक है अब हम बैक ट्रैक करके ऊपर जाते हैं यहाँ आ गए फिर हम यहाँ आ गए और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लोअर बाउंड 14 है तो इसको एक्सपेंड करेंगे 14 इज लेस देन 16 सी और डी हो गया था तो बचा क्या था ई e, यहाँ पे आ गए एथ नोड ई को लिए ठीक है तो सिमिलरली हम ए बी ई का लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे ए बी ई का जब लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है तो बी ई e और ई e, बी होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे देखो ए का सेम रहेगा फोर बी में बी ई e होना चाहिए जो कि नहीं है तो बी ई e का लेंथ देखो क्या है बी का है नाइन ठीक है नाइन और जो शॉर्टेस्ट है थ्री तो हम ले लिए थ्री प्लस नाइन को डी में सी डी में कोई चेंज नहीं होगा तो सी और डी को एज इट इज लिख दिए ई में ई बी को होना चाहिए तो ये टू ले लेंगे और ई बी का होगा नाइन तो टू प्लस नाइन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा एटीन पॉइंट फाइव तो इसको हम राउंड अप कर ले नाइनटीन में ठीक है ना इंटीजर में ले गए तो ये इसका लोअर बाउंड हो गया यहाँ पर यहाँ पे लोअर बाउंड हो गया 19 नाउ हमें ऑलरेडी 16 का सोल्यूशन मिल चुका है और यहाँ पे लोअर बाउंड 19 है 19 इज ग्रेटर देन 16 मतलब इस नोट से जितने भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसके जो सोलूशन मतलब टोटल लेंथ होगा ना वो एटलीस्ट 19 होगा 19 से कम नहीं होगा मतलब इससे बेस्ट बेटर ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा तो इसको हम फर्दर एक्सपेंड नहीं करेंगे वी विल गो बैक एंड ये वाला खत्म तो एक एकमा रूट में आ गए रूट में आके नेक्स्ट हम ए बी चेक कर लिए थे ए सी को चेक करेंगे दिस इज अवर नाइन्थ नोड तो जैसे मैं बताई थी शुरू में ही कि हम वो कॉम्बिनेशन uh, यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे जहां पे सी बी के पहले आए इसीलिए सिंस यहाँ पे सी बी के पहले आ रहा है तो इसको हम फर्दर एक्सपेंड नहीं करेंगे अगर ये कंसटेंट कंसिडर नहीं करते हो तो सिमिलरली इस नोट को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा तो वी विल फाइंड द लोअर बाउंड फॉर ए सी जैसे मैं बताई थी उसी फॉर्मूला से हम यहाँ पे जो ए बी ए बी का जैसे निकाले थे वैसे ही ए सी का निकालेंगे देखना निकाल के फोर्टीन आएगा फिर उसको जैसे इसको सॉल्व किया वैसे उसको सॉल्व करके देखना है हमें ठीक है बट यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी हम इस केस को कंसिडर नहीं कर रहे सो वी गो बैक नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डी है हम डी को लेंगे तो ए डी के लिए अगेन वी विल कैलकुलेट द लोअर बाउंड तो हम ए डी का लोअर बाउंड फाइंड किए हैं जो कि आया हमारा सिक्सटीन ठीक है ए डी के लिए जैसे मैं बताई थी क्या होगा हमें ए टू डी और डी टू ए को रखना है और बाकी जो वैल्यू यहीं से आ जाएगा तो उसमें हमारा लोअर बाउंड 16 आया और 16 वाला सोल्यूशन एक हमें मिल चुका है ठीक है ना तो यहाँ पे जो लोअर बाउंड है दैट इज सेम एज एल ठीक है ना तो इसको भी फर्दर आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि 16 से कम का कोई सोल्यूशन इससे भी नहीं मिलेगा क्योंकि 16 यहाँ का लोअर बाउंड है तो इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे बैक ट्रैक करके यहाँ आ गए लास्ट ऑप्शन ए टू ई इसको ट्राई करेंगे ए टू ई का लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है हमें ठीक है ना देखो ए टू ई मतलब ए से ई e होना चाहिए और ई e से ए आना चाहिए जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ए टू ई नहीं है ठीक तो ए टू ई का देखो ए टू ई का लेंथ क्या है आठ और ए का शॉर्टेस्ट क्या है वन तो हम ले लिए वन प्लस एट बी सी डी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ है ही नहीं तो नाइन थ्री और सेवन आ जाएगा ये ई में चेंज होगा ई में ई से ए को लाना है तो ई से सी जो शॉर्टेस्ट है टू उसको ले लिए और ई से ए का हो जाएगा एट उसको ले लिए ठीक है तो टोटल तो आ गया हमारा यहाँ पे नाइनटीन तो ये लोअर बाउंड है नाइनटीन है मतलब इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे जो हमारा सोल्यूशन मिलेगा वो एटलीस्ट नाइनटीन या उससे बड़ा होगा तो हम इसको भी फर्दर एक्सपैंड नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव गॉट अ बेटर सोल्यूशन सो बेसिकली दिस इज आवर आउटपुट ठीक है तो मतलब सिक्वेंस क्या है इसको ये जो स्टेट स्पेस ग्राफ बना है इसको अगर हम फॉलो करते हैं ए के बाद हम किसको लिए थे बी को ठीक है ए से बी लिए थे बी से हम क्या लिए थे डी ये वाला पाथ ये वाला पाथ डी से हम लिए थे ई e. e से हम लिए थे सी एंड लास्टली हम वापस चले जाएंगे ये में तो ये हमारा टूर है टोट ठीक है ऐसे दिस विल बी द बेस्ट सोल्यूशन और इसका लेंथ क्या है सिक्सटीन सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द सल्यूशन ऑफ टी एस पी यूजिंग बैक ट्रैकिंग